मेरे ख्याल है कि दुनिया भर के MLA बन के जा लिए, किसी MLA ने ये सुनवाई नहीं करी। सारे जितने भी है सब अपने खान के कुत्ते बन रहे। इतने बड़े बड़े सीवरेज नहीं डल दे रहे सैनी मोहल्ले में, वो ऐसे ही इसका समाधान नहीं होगा, चाहे कोई विधायक कितने जोर लगा ले या कोई कमेटी कितना जोर लगा ले। बारिश चलेगी हमारे कस्टमर सारे बंद हो जाते हैं, जब बारिश बंद होगी ना उसके बाद भी हमारा काम ना पड़ेगा। नंबर एक तो यहाँ कोई शर्मा नहीं लगेगी। जब भी बारिश आवे नहीं इस तभी दो दो फुट तक पानी जमा हो जाए, पांच पांच घंटे लिकड़ता को नहीं है, ठीक है कि नहीं। बल्कि आने जाने वाले सारे तंग है, सब परेशान है, जितने भी हैं इनका अगर गड्डी गुड्डी निकले नहीं छाड़ लगे पानी की दुकान के अंदर, बड़ा पानी भी बहुत तंग है, सारे मार्केट वाले तंग हो रहे हैं। एप्लीकेशन दी गई, एप्लीकेशन दी थी उस पर गौर नहीं करी गई, एक दो बार या कमेटी में देखा है, ठीक है ना जी, कि मेन चौक में दुकान है पुंडरी, सामने देखे तो हमारे सिविल हॉस्पिटल है, अगर राइट में देखे तो हम कन्या महाविद्यालय है, उसके आगे जाके स्कूल, और यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे पुंडरी के व्यक्ति हैं जिनको इस रास्ते से होके गुजरना पड़ता है। आपके पास भी कस्टमर आते होंगे, आपके आसपास की जो शॉप्स हैं उन पर कस्टमर आते हैं, किस तरह की समस्या आती है जब बरसात के दिन आते हैं? बरसात के दिनों में तो आती है, नंबर एक तो यहाँ नगर पालिका का कोई प्रबंध नहीं है, कोई भी स्वीपर जो है नाले को निकालता नहीं है, जबकि इनकी ड्यूटी बनती है रोज़ नाला निकालने की, कभी नाले को निकाला नहीं जाता, इतने इतने पॉलिथीन जम जाते हैं, उनकी वजह से निकासी में फ़र्क पड़ता है। तो बाकी यहाँ मेरा ख्याल है कि दुनिया भर के MLA बन के जा लिए, किसी MLA ने ये सुनवाई नहीं करी कि हम इसकी निकासी का प्रबंध करें, जबकि कमेटी के अंदर जो है बोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कमेटी के अंदर बोर लगा रखा है, बताओ वहाँ कौन सा पानी रुकता है, और उड्डा के अंदर बोर लगा रखा है जबकि उड्डा के अंदर कोई पानी की रुकावट नहीं है, तो जबकि मेन चौक है शहर का और मेन चौक के अंदर जो है यहाँ पर एक बोर लगाना चाहिए जिससे कि पानी नीचे चला जाए और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, पानी खड़ा ना। अब हमने 2 फुट ऊंची अपनी छड़ी बना रखी है दुकान की, उसके बावजूद भी हमारे अंदर पानी आ रहा है, तो ये समस्या का समाधान तो प्रशासन को ही करना चाहिए। मार्केट वालों ने कभी कमेटी में जाके कोई एप्लीकेशन दी हो इस बारे? मार्केट वाले तो हमेशा चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि यहाँ बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम के अंदर तक सफाई नहीं करते, बाथरूम करने को भी अंदर बढ़ने को दिल नहीं करता, कमेटी का तो बुरा हाल है जी यहाँ पर। और क्या अपील करना चाहोगे, अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देखेगा तो उनको क्या सचेत करना चाहोगे इस समस्या से? हम उनको सचेत करना चाहेंगे कि आप अपनी ड्यूटी निभाओ, जबकि आपकी ड्यूटी बनती है शहर की साफ सफाई के लिए, ऐसी भयानक बीमारी चली हुई है, बीमारी को देखते हुए कम से कम प्रशासन को ये तो सोचना चाहिए कि शहर की सफाई सबसे ज़रूरी है। कस्टमर आते हैं आपके पास, उनको किस तरह की समस्या आती है, हादसा होता है कैसे इन बीच पानी से, पैदल आते हैं गाड़ी से आते हैं कैसे? हादसा तो होता ही है, कुछ पानी में गिर जाते हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, तो समस्या तो है ही है लोगों के लिए। और स्कूल टाइम में जब स्कूल शुरू होते हैं, कॉलेज शुरू होते हैं, बस बच्चों के सारे जो ड्रेस वगैरह भीग जाती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जूते भीग जाते हैं, तो बच्चे भी क्या करें, मेन रास्ता है यहाँ से निकलने का, तो बच्चों को मजबूरी में निकलना पड़ता है। यहाँ पे इस चौक में जिस भी दुकानदार की दुकान है उसकी सबसे बड़ी समस्या इस पानी की बरसात से हो जाती है, क्योंकि जब ये पानी का वो पानी बरसात आती है तो यहाँ पर ना करते 1.5-2.5-3 फुट तक पानी चला जाता, जो भी आता है इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे साथ एक यहाँ पे चौक में हलवाई की दुकान है, उनसे बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या समस्या रहती है बरसात के दिनों में? पानी इतना हो जाता है 2.5-3 फुट, सारा दुकान के अंदर पानी है, सबसे नीचे जगह है, कोई नाले की सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, नाले सारे ढके पड़े हैं, कोई पानी सब दुकान के अंदर कुछ जाता है, नुकसान हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा, कोई सुनाई नहीं हो रही है, कई दफ़ा नगर पालिका में गए कोई सुनाई नहीं, पानी 2.5-3 फुट इस टाइम भी है। अब आगामी दिनों में स्कूल कॉलेजों को खुलेंगे, वो तो जा ही सकते, बच्चे वापसी कर ही जाएंगे, वापसी जाएंगे बच्चे के, स्कूल कॉलेज तो जा ही सकते, इतना पानी हो रहा है।
तालाब बन गया था। बिल्कुल, बरसात की कितनी देर बाद पानी उतर जाते हैं? ये दो ढाई घंटे तीन घंटे बाद, यानी कि इतना ही पानी खड़ेगा, दो ढाई घंटे बाद ये पानी निकलेगा। हाँ, दो ढाई तीन घंटे के बाद निकलेगा। अब कस्टमर का कैसे रहता है जैसे बरसात का पानी? तो आने बंद हो जाते हैं, आने ही बंद, आने बंद होते हैं कस्टमर, तो घर रुक जाते हैं, पानी का निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे अधिकारियों से इस समस्या के बारे में? समस्या के बारे में इसका कोई समाधान होना चाहिए, नाले नूले सीवेज बंद पड़े हैं सारे, यानी कि सफाई कर्मचारियों की भी कहीं ना कहीं कमी है। कोई सफाई नहीं, कोई कुछ, नाले सारे ढके पड़े ऊपर से, कोई पानी का रास्ता नहीं निकलने का, पानी का सुनाई नहीं है कहीं भी। कर्मचारियों की क्या कमी है मैं बोल रहा हूँ, कर्मचारियों की क्या कमी है? एमएलए ने नहीं कहा था, नहीं कहा एमएलए क्या समस्या, क्यों नहीं हो ऐसा हो पा रहा है? मेरे पास खा रहे, कोई कर नहीं रहा कुछ भी। हाँ। नाले सारे ढके पड़े, सारे दुकानदार ने बंद कर रखे, कड़क बड़ा कड़क सफाई करेंगे, कहाँ को सफाई होगी? सफाई तो जीव कर सके, जीव नाले सारे बंद हो रहे, खुलवाओ नाले सारे ढके पड़े, जीव सफाई होगी चुगली करने का कौन सा फायदा? समस्या ये है, इसकी जिम्मेवारी दुकानदार नहीं लेगा, यहाँ के विधायक एमएलए लेगा, कमेटी लेगी, कमेटी को कई बार मार्केट वाले ये ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ से समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ पे बरसात में पानी भर जाता है। सारे जितने भी है सब अपने खान के कुत्ते बन रहे, कोई किसी का देख रहा है, ले रहा किसी का न्यू तो कम है कभी, कर्मचारी सफाई नहीं करते, कर्मचारी बहुत सफाई कर रहे हैं, सारी कोरोना के अंदर कर्मचारियों ने एक दिन भी तरह सोगा नहीं बैठा। बरसात की बात है हम, वो उनकी जिम्मेवारी है, उनका काम है, उसके लिए तनख्वाह लेते हैं, उनके ऊपर पैसा आता है, वो उन बात अलग है कि वो कितने कोई बनाया, तीन तीन महीने तनख्वाह नहीं देना, दो दो महीने तनख्वाह। ये कर्मचारियों की कमेटी से समस्या है, वो ठेकेदारी प्रथा है, वो उसकी समस्या है, हम समस्या की बात कर रहे हैं इस पानी की। पानी की तो फिर एमएलए करेगा जो कुछ करेगा, एमएलए के हाथ में है, किसके हाथ में? जिस तरह काम का एमएलए वो नहीं करता, दूसरा कौन करेगा? ये ना कड़ा करा कर्मचारी, सारे दिन नाले बंद हो गए, सारे नाले बंद हो लिए, जोड़ बंद कर दिया, कड़ा को क्या करेगा कोई? पानी को निकलने के लिए जगह चाहिए, आकर जगह चाहिए, इतना मकान बना लिया, जितने मकान में जगह नहीं कड़ी को कड़ा निकलेगा तो है राह मांगेगा, पानी राह मांगेगा, चाहे दुकान के रो चाहे कुछ के रो, सारे नाले ढके पड़े, सारे नाले ढके गए, सारा काम बंद हो गया। पता है इसका समाधान नहीं होगा जी, दिनेश कौशिक विधायक जा लिया, नरेंद्र शर्मा जा लिया, कितने विधायक जा लिए, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए बैठे हुए, इस पानी का कोई संबंध नहीं, प्रबंध नहीं हो सका है, इसके अंदर इतने बड़े बड़े सीवरेज नहीं डल देना सैनी मोहल्ले में, वो ऐसे ही इसका समाधान नहीं होगा, चाहे कोई विधायक कितने जोर लगा ले या कोई कमेटी कितना जोर लगा ले। कहाँ तक का पानी आता है चौक में? पूरे शहर का पानी इस साइड आता है बस। और इसकी तरफ किसका ध्यान है कि यहाँ निकासी के लिए हम काम करें? सबका ध्यान है, लेकिन छोटे छोटे पाइप डालते हैं, वो फिर ब्लॉक हो जाते हैं बस। समस्या है, कमेटी में कई बार जा चुके हैं, हर किसी को बोल चुके हैं, पर सुन नहीं रहा है। इसमें बारिश चलेगी, हमारे कस्टमर सारे बंद हो जाते हैं, जब बारिश बंद होगी ना उसके बाद भी यहाँ गंदा पानी आएगा, गंदा नाला, गंदे नाले जो गंद है ना, ये सारा को फैल जाएगा, दो ढाई घंटे बाद ऐसे रहेगा, सफाई करनी पड़ा मांगा, कितनी बार बोल दिया कोई नहीं सुन रहा, देखो कितनी तरह पानी है, जरा जी बारिश हो जाएगी यहाँ कितना पानी हो जाएगा, नाला बंद होगा तब भी इतना पानी यहाँ पहुँचेगा, हमारे दुकानदार ही सारी बंद हो जाएगी, क्या करें, समस्या है बहुत बड़ी, इससे कोई सही निकाल लो। स्कूल के टाइम में कैसी दिक्कत रहती है यहाँ पे? स्कूल के टाइम में भी ये दिक्कत है, बच्चे परेशान हो गए, बच्चे परेशान आने वाले जा रहे हैं, देखो गाड़ी भी यहाँ पर बंद हो जाए, वो गाड़ी आप ग्राम से देखो बंद पड़ जाए गाड़ियाँ मोटरसाइकिल, सड़कें ऊँची कराने का हमने वो एप्लीकेशन दिया है, कोई नहीं सुनी, कई बार बोल दिया आज कराएं मैं कल कराऊंगे हफ्ते में कराऊंगे, नहीं किन को बोला था आपने? हमने कमेटी में जाकर बोल के आए हैं। कोई अधिकारी यहाँ पे आके संज्ञान लिया इस बात का? हाँ, एक बार गोविंद साहब आए थे हमारे यहाँ पर देखने के लिए, कह रहे थे कि नाले ये करवाएंगे ठीक करवाएंगे, सड़क ऊँची कराओगे बस क्या के चले गए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि पानी की, सारे शहर का पानी यहीं इकट्ठा होता है, हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन से भाई इसका कोई ऐसा वो सुझाव किया जाए जिससे कि ये पानी का निकासी का प्रावधान होना चाहिए, विधायक जी से भी यही निवेदन है।
कस्टमर्स की कैसी आपके पास रहती है, जैसे बरसात होती है तो उसके कितने घंटे बाद आपके पास कस्टमर आराम से आ सकता है, क्योंकि बीच में तो पानी भरा रहता है? हाँ जी, कम से कम 3 घंटे बाद पानी उतरता है, 3 घंटे के बाद यहाँ से पानी उतरता है। और आज हम पूछते हैं पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों की यहाँ से समस्या आ रही थी, फोन आ रहे थे कि यहाँ पे बरसात के जब शुरुआत होती है पानी भराव की समस्या आती है। कई सारे विधायक इस सब क्षेत्र से गए मगर आज तक शायद किसी ने इस बात की तरफ गौर फरमाया होगा, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं ये ऐसी जगह है, शहर की मेन जगह है पुंडरी के। हम पुंडरी के हम सिविल अस्पताल आप हमारी साइड में आगे जाएंगे तो कन्या महाविद्यालय है, उससे आगे चौकी है, स्कूल कॉलेज हैं। और अगर हम यहाँ की हमारे पीछे की बात करें, आधे से ज़्यादा शहर की आबादी इसी जोन से होकर गुजरती है। इस पानी भराव की समस्या है जो इस जोन से होकर गुजरती है। अगर किसी को रिश्तेदार को या किसी स्कूल वाले बच्चे को स्कूल जाना पड़ रहा है, कोई हमारा गेस्ट आ रहा है, तो सबसे पहले उसको कुंडरी में एंट्री करेंगे तो इस पानी भराव के साथ उनके घर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी को इसके बारे में जानकारी ना हो, यहाँ पे जो पाइप हम देख रहे हैं इसके पास गहरे गड्ढे भी हैं, नाला बना हुआ है। मेन समस्या क्या है, मुद्दे की बात पे आते हैं। जहाँ पे ये सीवरेज है, सीवरेज का साइज है यहाँ पे छोटा, डिमांड यहाँ है पानी की ज़्यादा, पानी की सप्लाई अगर चाहिए तो कंटिन्यू चलती रहे, पानी ना भरे, यहाँ पे बड़े पाइप की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ पे जो हमने मार्केट वालों से बात करके देखा ये उनकी राय है। अगर यहाँ पे पानी की निकासी से निजात पानी है तो यहाँ पर पानी की जो सीवरेज है या तो उनका साइज बड़ा करना पड़ेगा। पता लगा है कि आगे जाके एक बोर लगाया गया है, बहुत बड़ा बोर निकासी के लिए, जो यहाँ से पानी सारा निकाल देगा। मगर समस्या फिर एक और उसके साथ साथ आती है, जो बोर के लिए लाइट की प्रबंध किया गया है वो है खेतों से लाइट आती है, जो यानी कि कृषि में जो लाइट यूज करती है वो, और खेतों में लाइट कब आती है, टाइम टू टाइम। बरसात अब हो रही है, लाइट आएगी रात को, निकासी के लिए बोर लाया जाएगा रात को, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। हमारी आपसे प्रशासन से अधिकारियों से यही अपील है, जल्द से जल्द इस समस्या का प्रॉपर से प्रॉपर समाधान निकालें, ताकि आने वाले समय में जैसे ही सामर शुरू होएगा, बरसात और आएगी, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, स्कूल वाले को, कॉलेज वाले को, या कोई भी पुंडरी का राहगीर है उसको यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। कई सारे लोगों का काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। हमारी फिर से आपसे अपील है हमारे चैनल के माध्यम से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढिए। समस्या है तो समाधान जरूर होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किन किन लोगों तक पहुंचाएंगे। हम आपसे दोबारा से एक अपील करेंगे, इस वीडियो को पुंडरी के उन अधिकारियों को, उन MLA को, उन चेयरपर्सन को जरूर पहुंचाएं जो इस बात पर संज्ञान ले सकते हैं।